इट्स ऑल इल्यूजन्स भी यू नो मैनू मेरी तरक्की जिंदगी जीनी है मैं ये नहीं मिल रहा फ्रॉम यू नो माई हसबेंड और फ्रॉम माई फैमिली एंड वी पुट them as bad people, we put them as ki they should have given me what I want, but we forget that देने वाला तो रब ही है. Exactly. एक ना आप अक्सर गल कर रहे हैं ना कि जो आप किसी वाल उंगल करने हैं ना तीन उंगलों अपने वाल होंदियां. गुरबाणी सानू पता की सिखाती है? गुरबाणी सिखाती है कि आप किसी वाल उंगल करनी है. कोई चंगा कर रहा माड़ा कर रहा मैनू ओदे नाल फर्क नहीं पैंदा. ओदे कर्मां दा फल परमात्मा ने उन्नू देना है. जे परमात्मा मैनू देख रहा तो परमात्मा दूजिया नू भी देख रहा. राइट. गुरबाणी सिखाती है कि मैं अपने आप नू किदां बदलूं, मैं अपने आप दे विच किदां चेंज होके इदां दा बनना है कि मेरी जिंदगी सौखी हो. मैं किसी की जिंदगी सौखी नहीं कर सकती. हुण कोई कहेगा कि अच्छा जे तुसीं किसी की जिंदगी सौखी नहीं करते तो तुसीं वीडियोज़ क्यों पाते हो, तुसीं रील्स क्यों पाते हो, तुसीं पोस्ट्स क्यों पाते हो? क्योंकि मैनू हुक्म है कि जो मैनू परमात्मा गुरु जी के शब्द तो जो मैं सीख रही हाँ ना, जो भी मैं सीख रही हूँ मैं उही अगे शेयर कर रही हूँ कि शायद कोई होर भी सीख ले. राइट. सो गुरबाणी मेरे वास्ते है, गुरु का शब्द मेरे वास्ते. अज प्रॉब्लम पता की है? प्रॉब्लम यह है कि आप देखने ही दूजे वालों कि दूजा की कर रहा है, तो गलत कर रहा है तो वह गलत कर रहा है. आप ये नहीं देख रहे कि गलती मेरी भी तो हो सकती है ना. सैल्फ रिफ्लैक्शन इज अ बिग थिंग. साइकोलॉजिस्ट आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट कि अपने अंदर झात मारो. तो गुरु साहब ने तो बहुत साल पहला ही कह दिता बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए. गुरु साहब ने तो सानू कितने साल पहला कहता कि बंदे अपने अंदर देख, सैल्फ रिफ्लैक्शन कर. जदों तू सैल्फ रिफ्लैक्ट करेगा तो सैल्फ अवेयर होएगा. जदों तू सैल्फ अवेयर होएगा तो प्रॉब्लम्स नहीं होनगियां, बिकॉज तेनों अपने आप बारे पता. प्रॉब्लम्स आप दूजियां ते मड़ने हैं क्योंकि सानू अपनी प्रॉब्लम्स पता नहीं होंगी, समझ नहीं होंगी सानू कि मेरी प्रॉब्लम की है. सो इट्स ऑलवेज ईजियर टू ब्लेम अदरस क्योंकि अपने आप नूं ब्लेम कोई नहीं करना चाहता. पर गुरबाणी ये नहीं सिखाती. गुरबाणी कहती है अपने अंदर देख, अपने औगण लब दूजियां दे नहीं. सो जे आप इस चीज़ नूं एक एग्जाम्पल के तौर पर लईए, सपोज करो कि किसी नाल धक्का हो रहा है तो वह बंदा तेरे नाल धक्का कर रहा है, जानते भी कुछ धक्का कर रहे हो उस नाल, तो उहदे अंदर दुख आ गए. हुण जिवें कि तुसीं कहा कि परमात्मा का हुक्म है, तो परमात्मा का हुक्म हैगा कि बंदा दुख च जीए, तो जो दुख च जी भी रहा तो वह किदां बाहर निकले, उस सरकमस्टेंसिस तो किदां बाहर निकले, लोगों तो दूर जाए, बंदा की करे, उन्होंने ब्लेम करे, वट शुड हैपन. दिस एग्जाम्पल बहुत वड्डी गल, तुसीं बहुत वड्डी गल कीती. ते इहदियां दो गल्लां ने, ठीक है? एक आपां लैने आ कि सिनेरियो कि किसी नाल धक्का हो रहा है. लैट्स टॉक अबाउट डोमैसटिक वायलेंस, ठीक है? कोई जनानी है घर दे विच रह रही है, अपने हर फर्ज निभा रही है, पर उहदे नाल धक्का हो रहा. धक्का इन द सेंस के नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डोमैसटिक वायलेंस. इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इमोशनल, सैक्शुअल, किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस की गल कर लिए, ठीक है? कि उहनूं फिर भी अपने फर्ज निभाई जाने चाहिए ने, उहनूं चुप करके सारे जुल्म सही जाने चाहिए ने? एब्सोल्यूटली नॉट. क्योंकि गुरबाणी सानू सिखाती है कि जे आपां किसे ते जुल्म करना नहीं ना, जे आपां किसे नाल धक्का नहीं करना, तो जे मेरे नाल धक्का हो रहा तो मैं वह धक्का सहना भी नहीं, मैं जुल्म सहना भी नहीं. जे मैं जुल्म करना नहीं तो मैं जुल्म सहना भी नहीं. जे आपां इतिहास वल देख लीए तो गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठ के शहीद हो गए. कि वह उत्थे लड़ नहीं सी सकते उन्होंने सिंह नाल, जो सिंह आए थे तो कह रहे थे कि गुरु साहब नहीं, आपां इन्हां दा जवाब दिंदे आ, तुसीं इदां नहीं शहीद होना. पर गुरु साहब ने कहा नहीं, तेरा की आ मीठा लग गया है ना कि वह उहदे हुक्म दे विच सी ते उह तत्ती तवी ते भी बैठ गए. पर उसे गुरु का पुत साडा अगला गुरु जिहड़े ने गुरु हरगोबिंद पातशाह, वह सिखां नूं हुक्म कर दिंदे ने कि तलवारां चक लो, मीरी दी ते पीरी दी. सिंघां ने जिथे मीरी का देखना है ना, उत्थे पीरी का भी देखना है कि जे धर्म जरूरी है तो सियासत भी जरूरी है. जे कोई आके जुलम कर रहा है तो उहदा जवाब देना है, पर पहल कदी नहीं करनी. सो जे धक्का हो रहा जवाब देना है पर पहल नहीं करनी, पहला आप धक्का नहीं करना, ठीक है जी? ये तो एक सिनेरियो हो गया. दूजी गल ये कि जे तुसी कह रहे हो कि आप बर्दाश्त करी जाना है, बर्दाश्त करी जाना है ना, कि जे मेरे नाल गलत हो रहा तो जे किसी नाल गलत हो रहा तो की मैं वह भी देखी जावा. हुण इहदियां भी आप दो एग्जाम्पल्स लईए. एक बुलिंग लै लीए कि जे गुरु का सिख देख रहा कि किसी नाल धक्का हो रहा, स्कूल दे विच कोई बच्चा देख रहा कि वह बच्चे नाल बुलिंग हो रही है, तो वह कवे कि नहीं नहीं मैनू तो घरद्या ने कहा कि आप किसी ना मारना नहीं है, वायलेंस नहीं करना है, इस करके मैं कुछ नहीं बोलना, मैं इग्नोर करके उतों चल जावा.
ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਹਥਿਆਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਵੋਇਸ, ਰਾਈਟ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੋਪ ਇਟ, ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ, ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾਂਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ? ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।